हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अप ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल ऑफ फैराडे लॉज। क्लियर बेटा? नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड या कहेंगे एक आपकी कोई भी कंडक्टर रोड भी ले सकते हैं या कंडक्टिंग वायर भी ले सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये अपने पास में यहां पर अपन ने सॉल्यूशन फिल कर रखा है, दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रोलाइट। क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो यहां पे अपन क्या ले सकते हैं? रोड भी ले सकते हैं या वायर भी ले सकते हैं, राइट? तो तीनों के रेफरेंस में यहां पर जो भी टर्म अपन यूज करेंगे वो सब पे फॉलो होगी। क्लियर? जो कंडक्टेंस है वो अपन यहां पर किसके रेफरेंस में? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या उसके अलावा जो उसमें प्लेट यूज कर रहे हैं तो वहां रोड भी हो सकती है या वायर भी अपन यूज में ले सकते हैं। सबके लिए जो टर्म अपन यहां पर यूज करेंगे उन टर्म को यहां पर सबके लिए सेम कंसीडर करेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी? आपकी कंडक्टेंस होगी। क्या होगी बेटा? कंडक्टेंस होगी, राइट? अब कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस या इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को अपन किससे लिखेंगे? पहले तो सी से लिखेंगे। सी इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास में? वन अपॉन आर। C is equal to क्या होगा बेटा? वन अपॉन आर। आर क्या है यहां पर? रेसिस्टेंस। आर क्या है? रेसिस्टेंस। आप पढ़े हुए हो ओम्स लॉ में, आर क्या है आपका? रेसिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? ओम होती है। क्या होती है बेटा? ओम होती है, राइट? तो यहां पे क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इट इज यूनिटेड बाई सी एंड यूनिट इज, यूनिट क्या होगी बेटा? देखो, C इज इक्वल टू वन अपॉन ओम। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ओम इनवर्स लिख सकते हैं। और वन अपॉन ओम को उल्टा लिखिए तो अपन क्या लिख सकते हैं? महो लिख सकते हैं। और SI में जो इंटरनेशनल सिस्टम है आपका यूनिट का, उसमें इसको जो यूनिट मेंशन की हो क्या है? सीमेंस, जिसको अपन कैपिटल एस में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे बेटा? कैपिटल एस में लिखेंगे। तो जो कंडक्टेंस की यूनिट निकल के आई है वो क्या है अपने पास में? सीमेंस एस, राइट? जिसको अपन ओम इनवर्स या महो की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज द कंडक्टेंस। क्लियर? अब जो सेकेंड आई अपने पास में वो यहां पर आता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। इसकी बात करेंगे अपन, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की बात करेंगे। उससे पहले अपन इनके लिए कुछ रिलेशन की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, जब अपने पास में इस तरह का इलेक्ट्रोड प्लेट लगी है, देखिए बेटा पूरा सर्किट बना हुआ है आपका, इस तरह की इलेक्ट्रोड प्लेट लगी हुई है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोड प्लेट जो सॉल्यूशन में डिप है, राइट? या फिर कोई रोड है या फिर कोई इलेक्ट्रिक वायर है, उस कंडीशन में जो करंट पास करेंगे तब क्या होगा? जो रेसिस्टेंस होगा क्या है? रेसिस्टेंस होगा। व्हेन करंट पास थ्रू इलेक्ट्रोड प्लेट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या रोड या वायर, देन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड या लेंथ ऑफ रोड या लेंथ ऑफ वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, लेंथ ऑफ रोड या लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितने एरिया में वो सिचुएटेड है। तो देखिए बेटा, अपन ने जो करंट पास किया है किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में
या कोई रोड में या वायर में, तो उस कंडीशन में जो रेसिस्टेंस होगा वो उसकी लेंथ के तो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके एरे क्या होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो रिलेशन आ गया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब जब प्रोपोर्शनल आता है तो उसके लिए अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन यूज करते हैं, दैट मीन्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगा रो एल अपॉन ए, वेयर एज रो इक्वल टू क्या है, रो को अपन लिखते हैं आर एच ओ, राइट। रो है अपने पास में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, क्या बोलेंगे बेटा इसको, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दैट इज क्लियर। रो क्या हो गया अपने पास में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, क्लियर। तो यहां पर अपन अब जो टर्म लेंगे वो क्या लेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या आपकी इक्वेशन नंबर वन होगी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। ध्यान देना बेटा ये क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, जिसको अपन किससे रो से डिनोट करेंगे। क्लियर? अब रो की अपन को डेफिनेशन देनी है, यहां पर क्या करना है, रो की अपन को डेफिनेशन देनी है। तो देखो कैसे देंगे, व्हेन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और रोड और वायर, कोई भी ले सकते हो, करंट पास्ड व्हेन लेंथ इज एल इज इक्वल टू कितनी 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या कंडीशन हो जो गिवन है अपने पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोड के बिटवीन की लेंथ क्या हो 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस कंडीशन में जो रेसिस्टेंस होगा वही क्या होगा उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, क्या होगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, आल्सो कॉल्ड रेसिस्टिविटी। क्लियर होगी डेफिनेशन, व्हेन करंट पास थ्रू इलेक्ट्रोड इन विच लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रेसिस्टेंस आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, इट इज नोटेड बाय रो। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा, यूनिट के लिए अपन यहां से इक्वेशन वन से क्या निकाल लेते हैं, देखो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में आर इन टू ए अपॉन एल, आर की क्या होती है ओम, ए क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, एल क्या हो जाता है सेंटीमीटर, क्रॉस हो जाएगा तो यूनिट आ जाएगी ओम सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, क्या जाएगी बेटा ओम इंटू सेंटीमीटर। तो जो रो की यूनिट आएगी अपने पास वो क्या निकल के आएगी ओम इंटू सेंटीमीटर, दैट इज क्लियर। आगे चलें, अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है थर्ड, वो आएगी आपके पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इसकी बात करेंगे अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। थर्ड डेफिनेशन निकल के आती है वो क्या आती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसको अपन लिखेंगे इस तरह से, आपका एक ये थोड़ा सा मुड़ा होगा, इसको बोलते हैं कप्पा, क्या बोलेंगे बेटा इसको कप्पा, राइट। लिखने का है कि थोड़ा सा आपका इस तरह से मुड़ा हुआ होगा, राइट। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है अपने पास में आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो यहां से अपन क्या लेंगे, इसका रिवर्स कर दूं मैं, इस इक्वेशन का रिवर्स कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रो ए अपॉन एल,
हो जाएगा ये वन अपॉन रो, और इसका उल्टा हो जाएगा एल अपॉन ए। अब यहां से अगर मैं लिखू वन अपॉन रो इक्वल टू वन अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, क्लियर। अब यहां पर जो वन अपॉन रो है उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, कप्पा, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, राइट। और वन अपॉन आर किसके इक्वल होता है, वन अपॉन आर किसके इक्वल होगा आपका, सी के इक्वल होगा, वन अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। और एल अपॉन ए को अपन यहां कहेंगे एक्स, जो क्या होगा आपका सेल कॉन्स्टेंट, क्या होगा बेटा सेल कॉन्स्टेंट, राइट। एल लेंथ हो जाएगी, ए क्या हो जाएगा आपका एरिया। अब वैल्यू रख दो आप, कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, दैट इज क्लियर। तो यहां से अगर अपन डेफिनेशन निकाले, देखो ये इक्वेशन आई अपने पास में, दैट इज द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। क्या लिखा मैंने बेटा, इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, या रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाय कप्पा, डिनोटेड बाय कप्पा। इसकी अदर डेफिनेशन भी अपन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, देखो इसको मैं यहां पे क्या रिटर्न कर सकता हूं, कप्पा इज इक्वल टू सी, कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए, सही है। इफ एल इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कप्पा इज इक्वल टू सी, कप्पा इज इक्वल टू सी। ध्यान दीजिए, इन ए सेल, इन ए सेल डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड या रोड या वायर इज वन सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वन सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कंडक्टेंस आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो उसकी कंडक्टेंस होगी वही क्या होगी उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। देख लीजिए कंडीशन, वन सेंटीमीटर एंड वन सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपकी जो कंडक्टेंस है वही क्या हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज क्लियर। अब यहां से अपन बात करते हैं किसकी, यूनिट ऑफ कप्पा की, किसकी बात करते हैं बेटा, यूनिट ऑफ कप्पा की। देख लीजिए बेटा, यहां से अपन को यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ कप्पा मतलब कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो फॉर्मूला देख लीजिए, कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए, कप्पा सी की अपन लिखी थी सिमोन्स, ध्यान हो तो आपको, एल को अपन किस में लिखेंगे सेंटीमीटर में, ए को किससे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये कैंसिल ऊपर जाएगी तो इनवर्स, कप्पा इज इक्वल टू क्या आया गया सिमोन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपको लेंथ और एरिया मीटर में गिवन हो तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कप्पा इज इक्वल टू सिमोन्स मीटर इनवर्स, दैट इज क्लियर। तो ये दोनों यूनिट अपन यूज करेंगे किसके, कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, दैट इज सिमोन्स सेंटीमीटर इनवर्स और सिमोन्स मीटर इनवर्स, दैट इज क्लियर। लास्ट आपकी डेफिनेशन है नंबर फोर्थ, सेल कॉन्स्टेंट, क्या आएगी बेटा सेल कॉन्स्टेंट। देखिए लास्ट में क्या है अपने पास में, इसकी बात कर रहे हैं अपन सेल कॉन्स्टेंट, नंबर फोर्थ है आपकी सेल कॉन्स्टेंट, इसको अपन यहां किससे लिख रहे हैं एक्स से लिख रहे हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या है अपने पास में एल अपॉन ए, क्या है बेटा एल अपॉन ए, द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड या लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ रोड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड सेल कॉन्स्टेंट। इसकी यूनिट निकालो तो क्या जाएगी अपने पास में सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपने पास में एक्स की यूनिट आ जाएगी अपने पास में सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स।
नॉट देख लीजिए बेटा, अगर अपने पास में सपोज सेकेंड लॉ फेराडे है या अपने पास में मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट अपन यूज कर रहे हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन का सेल वही है, तो दैट मीन्स आपकी लेंथ भी वही रहेगी और एरिया भी वही रहेगा, तो आपका जो सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो लगभग सबके लिए क्या होती है, सेम होती है। सपोज बात करूं मैं आपको, अपन ने इसी में क्या किया, वन टाइम तो कंसंट्रेशन ली 0.1 और दूसरी टाइम ली अपन ने 0.2, तो दोनों टाइम जो x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू बेटा, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, ये m और ये m हो गया आपके। देख लीजिए बेटा x क्या है आपके, सबके लिए सेम क्यों है, इलेक्ट्रोलाइट आपका फर्स्ट टाइम तो लिया अपन ने 0.1 और सेकेंड टाइम लिया आपका 0.2 m, तो उसका दोनों ही कंडीशन में एक्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि आपकी दोनों की लेंथ और एरिया क्या है, दोनों टाइम ही सेल आपका एक ही है, सेल क्या आपका एक ही है, ओनली चेंज किया कि अपन ने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इस वे में सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, ये अपने न्यूमेरिकल में यूज है। क्लियर, ये थी अपने पास में क्या, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसको अपन रोड या वायर के रेफरेंस में भी यूज करेंगे। क्लियर बेटा, आई होप आपको एक क्लास समझ में आई होगी, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू क्लास।